Assalamualaikum, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वेब डेवलपमेंट का कोर्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका प्रोग्रामिंग का नॉलेज बिल्कुल जीरो है, आपको जरा भी नहीं पता कि प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, तो ये स्क्रीन पर आपको एक थंबनेल नजर आ रहा होगा और आई बटन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपने एक बार जरूर देख लेनी है, ठीक है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको पता चले कि हम प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हैं और ये कैसे कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, हाँ हम इस तरह से कोडिंग करते हैं और इस तरह से रिजल्ट आता है, तो वेल एंड गुड। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो HTML और CSS ये क्या चीजें हैं, वेब डेवलपमेंट क्या चीज है, ये हम डिटेल से इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो आपने इसको भी एक्सेस कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वेब डेवलपमेंट के लिए जिन लैंग्वेजेस की हमें ज़रूरत पड़ती है उनमें से एक है HTML और दूसरी है CSS। ठीक है, एक है HTML और दूसरी क्या है CSS। तो HTML का क्या यूज़ है, CSS का क्या यूज़ है, ये हम जान लेते हैं। देखिए, हम जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं तो वो सब की सब डिज़ाइन होती हैं ज़्यादातर HTML और CSS में। अब HTML और CSS में फ़र्क क्या है सर, वो जान लेते हैं। देखें, अगर हम इसे सिंपल मिसाल से समझें तो वो आता है ये। देखिए, HTML और CSS, HTML एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक वेबसाइट को, और जो CSS है वो क्या करता है, वो उसमें कलर्स ऐड कर देता है, वो उसको ज़रा ब्यूटीफुल बनाने में मदद करता है। HTML जिस तरह ये एक बॉडी है, तो बॉडी में क्या एक बोन्स हैं, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, इस पर मास है, सारा चेहरा है, कंप्लीट एक बॉडी कंप्लीट है, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो लेकिन ये भी होना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर नहीं होगा तो अकेली बॉडी क्या करेगी। तो इसलिए HTML के साथ CSS दोनों को सीखना ज़रूरी है ताकि वेबसाइट को अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके। ठीक है, ये तो हो गई एक सिंपल एग्जांपल। अब बात आती है कि वेब डेवलपमेंट इसकी एग्जांपल क्या है, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो पेज नज़र आ रहा है ये एक फेसबुक का पेज है। ये एक चीज़ लिखी गई है सिर्फ HTML में, अभी इस पर CSS अप्लाई नहीं किया गया, सिर्फ HTML में लिखा गया। तो ये देखिए, इसमें सिंपल आपको इसकी आउटपुट जो ब्राउज़र में नज़र आ रही है वो ये है, सिंपल ये नेम लिखा है, ये फेसबुक है, ये ईमेल पूछा गया, ये पूछा गया है, ये पेज ऐड किया गया, इसके बाद ये ऐड किया गया है। ठीक है, ये एक सिंपल है। तो लेकिन जब इसमें CSS अप्लाई कर देंगे तो ये देखिए, CSS अप्लाई करते ही तो ये देखिए कितना खूबसूरती से इसे लिखा गया है, ये फेसबुक ऐसे लिखा गया है, ये ब्लू बार पर ये चीज़ें ऐसे एक प्रॉपर डिज़ाइन वे में ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, ये एक प्रॉपर डिज़ाइन वे में लिखी गई है। अगर सिंपल लिखते हैं तो HTML स्ट्रक्चर इसमें जो खूबसूरती है, जो मेकअप करना है, जो इसको खूबसूरत बनाना है, वो चीज़ होती है CSS में। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इस तरह इकट्ठे काम करती हैं। तो HTML के बारे में जान लेते हैं कि HTML क्या चीज़ है, आपको पता चल तो गया ना कि ये एक स्ट्रक्चर है। तो सिंपल ये भी जान लीजिए, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल एक मार्क लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि वेबसाइट लिखने के लिए डिज़ाइन होती है। और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, मतलब जो स्टाइल प्रोवाइड करती है वेबसाइट को, तो वो चीज़ है। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, वेब डेवलपमेंट के लिए जो हम जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारी, तो वो है ये दो चीज़ें, एक है वेब ब्राउज़र, दूसरा है टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर भी इसे कहते हैं। अब वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं, मेरे पास तीन है कम से कम, आप भी तीन चार रख लीजिए, क्योंकि जब डिफरेंट आउटपुट डिफरेंट ब्राउज़र पर थोड़ी सा फ़र्क आ जाता है तो वो चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मल्टीपल अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, आपके पास होने चाहिए। तो ये हो गया क्रोम, ये ओपेरा और ये फायरफॉक्स, ये मेरे पास तीन है, तो आप भी कोई भी तीन चार इंस्टॉल करके रख लीजिए। इसके अलावा जो टेक्स्ट एडिटर हैं, ये आपको फ्री में, काफ़ी फ्री भी हैं, गूगल पर मिल जाएंगे आपको डाउनलोड करने का तरीका, तो ये मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है, वो कोड एडिटर है VS कोड। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट कोड एडिटर्स हैं, लेकिन आपने कौन सा डाउनलोड करना है, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिर भी इसे सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर लिखिए VS कोड, ठीक है, VS कोड डाउनलोड,
तो वीएस कोड पर डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले लिंक पर आपको नजर आ जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे जो के पेज मैंने आपको इससे पहले दिखाया। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से ओपन हो रहा है, थोड़ी देर लगेगी तो, लेकिन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ है तो इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है तो वो मैंने C++ वाली वीडियो में भी बताया है। इसके अलावा अगर आपको पता है ये किस तरह से करना है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर भी नज़र आ रहा होगा, थंबनेल नज़र आ रहा है ना आपको, तो इस पर भी आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को एक्सेस कर लीजिए। उसमें मैंने बताया कि इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है, सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स, अब आपको समझ आ गई ये HTML CSS है। इसके अलावा जो मेन स्ट्रक्चर, ये HTML स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और CSS उसमें स्टाइल प्रोवाइड कर देता है। रिक्वायरमेंट्स किन चीज़ों की है, एक है वेब ब्राउजर की और दूसरा है टेक्स्ट एडिटर की। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हो गई, ठीक है ये बातें हमें समझ आ गई, लेकिन जो हम वेबसाइट गूगल पर वेबसाइट्स देखते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कोडिंग हुई होती है वो हमें बताइए। ये देखिए मिसाल के तौर पर मैं ये YouTube ओपन कर रहा हूँ तो किसी ने इसके पीछे पूरी कोडिंग की, या ये भी एक वेबसाइट ही है ना, ये देखिए आपको नजर आया HTML.com, ये भी एक वेबसाइट है। तो ये देखिए YouTube.pk, ये किसी ने कोडिंग की है कि इस लोगों को यहाँ पर रखना है, इस लोगों को यहाँ पर, ये वीडियोज इस तरह से अरेंज करनी है, इसके पीछे एक प्रॉपर कोडिंग की गई है। तो अब आप उस कोड को देखना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से देखेंगे, तो आप Ctrl+U का बटन दबाइए अपने कीबोर्ड से। जैसे आप इसे दबाएंगे, ठीक है, तो जैसे आप दबाएंगे तो ये देखिए आपके सामने एक प्रॉपर जो इसके पीछे कोडिंग हुई है वो इसके पीछे आपको दिखा रहा है। ये देखें डॉक टाइप HTML, ये आपको मैं बताऊंगा कि ये बेसिक्स क्या है, ये किस तरह से होना है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान है। तो ये मैं आपको बता दूंगा ये किस तरह से, आपको पता चल गया ना, ये देखें ये इसका ओरिजिनल है, ये आउटपुट है इसकी, लेकिन इसके पीछे जो कोडिंग हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है। ये किस तरह से हुई है ये हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा ये और वेबसाइट है इसका, Ctrl+U दबा के देख लीजिए, इस तरह इसके आपको मिल जाएंगे इसके पीछे कोड। ये देखें आप इसे इसे सेलेक्ट करके आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, देखने के लिए आप कुछ इसमें एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये आपको पता चल गया ना ये किस तरह से होना है, किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन है, जो मेन चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो ये कि जब आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाए तो वो किस इस तरह से होगा उसका लोगो। तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोगो आप लोगो कह रहा हूँ, थंबनेल आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो को आप देखकर इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। इसकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से HTML की फाइल क्रिएट की जाती है, किस तरह से उसका आउटपुट देखा जाता है, तो बैक टू बैक अब वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, इकबाल का शहीनों, अल्लाह हाफिज़।